47 दिन जेल जाना पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज एक ऐसी खबर के बारे में बता रहा हूं जिस पर कि आज एनडीए और इंडिया दोनों उन पर उंगली उठा रहे हैं। बात कर रहा हूं भारत की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पर, जिस मायावती ने 1984 में मनोहर काशीराम के साथ बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और स्थापना करने के बाद बड़ी संघर्ष करने के बाद 1989 और 1991 में दलित आदिवासी अति पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी और उस समय लड़े जब जो है बहन बेटियों को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और उस समय लोग संघर्ष कर रही थी। 1991 में उसे 47 दिन जेल जाना पड़ गया। बुलंदशहर में जब चुनावी मामले में डीएम से उनकी हाथापाई हुई थी तो डीएम ने उसको जेल भेज दिया और 47 दिन जेल में रही। और जब वह बुलंदशहर से नैनी जेल के लिए इलाहाबाद लाया जा रहा था तो रास्ते में दरोगा ने इनकाउंटर करने के रिवॉल्वर भी तान दिए थे, लेकिन इंडियन आर्मी के लोगों ने उसे बचा लिया था और दरोगा ने इंडियन आर्मी के डर से रिवॉल्वर को फिर अंदर कर लिया था। फिर रिक्शा से उनको कोर्ट ले जाया गया, वहाँ से फिर नैनी जेल में रखा गया। बात करें, उन्होंने लगातार इतनी मेहनत और संघर्ष किया कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने दलित आदिवासी अति पिछड़ों को 3 एकड़ जमीन देने का काम किया। यही नहीं, जो पढ़े लिखों को तो नौकरी सभी देते हैं उन्होंने, लेकिन बिना पढ़े लिखों को सफाई कर्मी जैसी योजना से नौकरी दिया और 25,000 से 40,000 तक वेतन दिया, जिस वेतन से लोग जो है अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर आदि पढ़ा लिखा कर बनाने का काम किया। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि उस पर लोग उंगली उठा रहे हैं। बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसके पहले 2017 में 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही और सारे अपराधी गुंडा माफिया सलाखों के पीछे गए थे या राज छोड़ दिए। उनके शासन को आज भी याद कर रहे हैं। जब 12 और 17 के बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें प्रमोशन में आरक्षण का रिजर्वेशन किया खत्म कर दिया। वहीं राज्यसभा सांसद रहते हुए और इनका लंबा कार्यकाल रहते हुए जब दलित आदिवासी अति पिछड़ों बहुजनों की आवाज़ जब संसद में नहीं सुनी जा रही थी तो इन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर के मुंह पर फेंक करके और चल दिया और इस्तीफा दे दिया। अब बात करें 2019 में जब लोकसभा में इन्होंने समाजवादी पार्टी से अपने हित को छोड़कर बहुजन समाज के हित के लिए गठबंधन भी किया, लेकिन वह सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। 2024 में इंडिया गठबंधन में ने इसका पूरा अपमान किया। लालू प्रसाद यादव जी ने जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं उन्होंने कहा मैंने मायावती जी को निमंत्रण ही नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कौन गारंटी लेगा, गठबंधन में आता है तो हम सत्ता में बाहर हो जाएंगे। लेकिन आज के डेट में सभी लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती जी गठबंधन में रहती तो आज देश की प्रधानमंत्री बनती। आज लोग बार बार उंगली उठा रहे हैं, वह कह रहे हैं कि 16 सीटों पर जो है मायावती के चलते हार गए, भाजपा करे 31 सीटों पर हम मायावती के चलते हार हैं। मायावती जी की आज भले एक भी लोकसभा में सदस्य नहीं हो लेकिन आज भी उनकी ताकत मजबूत और बरकरार है, लेकिन कुछ लोग उस पर बार बार उंगलियां उठा रहे हैं। इस पर बहुजन समाज को सोचना है। अगर यदि उत्तर प्रदेश के में जिस तरह से उन्हें शासन चलाया है उस तरह का शासन पूरे देश में लाना चाहते हैं और पूरी तरह से देश में संविधान लागू करना चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती एक ऐसी नेत्री है जो हमेशा शालीनता और संविधान की बात करती है, वो उलुल जुल मुद्दों पर कभी और धर्म वगैरह की राजनीति की बात नहीं करती है। अगर वैसी सरकार लाना चाहते हैं तो दलित आदिवासी अति पिछड़ा बहुजनों को सचेत होना है और मुख्य रूप से जो बहन जी की चर्चा पूरे गाँव में करके उनके जो द्वारा किया गया शासन में कार्यकाल है उनको घर घर तक पहुंचाने, आम आदमी तक खासकर बहुजनों के घर में पहुंचाने की बात है। जो उन्होंने महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा किया, जो दलितों आदिवासी अति पिछड़ों को हक दिया, इसकी चर्चा हर गांव में होनी चाहिए, गली गली में होनी चाहिए, हर आदमी बहुजनों के हर घर में पहुँचनी चाहिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है।
बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।